गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फर्स्ट सोमवार है सावन के महीने का। तो एक्चुअली यहाँ पे गुजरात में और पंजाब नॉर्थ साइड में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये सावन का महीना नॉर्मली लोग पूर्णमासी के बाद जो फर्स्ट सोमवार होता है तब से मानते हैं, और यहाँ पे जो गुजरात में है, गुजरात साइड है, इस साइड पे लोग अमावस के नेक्स्ट जो पहला सोमवार आता है तब से मानते हैं। तो यहाँ के अकॉर्डिंगली आज यहाँ का फर्स्ट सोमवार है। तो मैंने इस नॉर्मली मैं हमेशा रखती हूँ, बट बीच में एक दो साल नहीं रख पाई हेल्थ इशू की वजह से, तो इस बारी मैंने रखे हैं। तो सोमवार का आज मेरा फास्ट है एंड मैंने पूजा कर ली है, तो मैं आपको भी अपनी पूजा दिखाती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा मैंने मंदिर बनाया है। एक्चुअली मंदिर मेरे रूम दूसरे रूम में है, लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया बिकॉज ये ईस्ट साइड आती है, और मैं जब भी कोई ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे इसको सेटअप कर देती हूँ। तो मैंने ये मेरा शिवलिंग है छोटा सा, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, और ये नीम करोली बाबा की फ़ोटो है जिनको चेतन बहुत मानते हैं। मेरे टैरो कार्ड्स भी रखे हैं यहाँ पे, और ऐसे ओकेजन में टैरो कार्ड्स ज़रूर रखती हूँ बिकॉज उनको मैं इनको उनको चार्ज हो जाए, उनके अंदर और पॉजिटिव एनर्जीज आए, सो दैट आई कैन कनेक्ट विद माय टैरोस कार्ड्स। एंड ये मेरी छोटी सी मेरी मंदिर में पूजा है की है मैंने, और अभी चेतन ने जल चढ़ाना है शिव जी को, तो वो भी नहा रहे हैं तो उसके बाद वो जलाएंगे। तो हमने पूजा वगैरह कर ली थी जैसे मैंने आपको दिखाया था, उसके बाद हमने लंच किया। लंच में हमने, क्योंकि मेरा और चेतन दोनों का फास्ट है, तो हम लोगों ने खाई साबूदाने की खिचड़ी मैंने बनाई थी, और फास्टिंग के लिए एक चिवड़ा आता है वो खाया था। और अब बच्चे आ गए, ट्यूशन पढ़ा दी, अभी हम फ्री हैं। तो आज चेतन बाबा थोड़े न्यू अवतार में हैं, देखना चाहेंगे चेतन बाबा, लेकिन अभी भी उसी अवस्था में उसी जगह में लेटे हुए हैं। चेतन बाबा उठिए, अरे उठिए तो चेतन बाबा अभी भी उसी अवस्था में हैं, उसी जगह पे लेटे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज अवतार थोड़ा नया है, कुर्ता पैजामा पहना है उन्होंने, क्योंकि आज थोड़ा फास्टिंग फूस्टिंग है, तो उनको लगा थोड़ा चेंज होना चाहिए भाई साहब तो वो आज तो देखो कितना स्मार्ट क्यूट लिटिल बॉय लग रहा है मेरा लिटिल बॉय हो मेरे लिए तो आप कुछ बोलिए ऑडियंस को, हमारे फ्रेंड्स को। आज मेरा मौन व्रत है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता, मौन व्रत में इतना बोल लेती हूँ, आज मेरा मौन व्रत है इसलिए आज मैं कुछ नहीं बोलता, अर्ध मौन व्रत है नहीं नहीं अर्ध चंद्रमा सुना था, अर्ध मौन व्रत पहली बार ही सुना है मैंने। मैंने आविष्कार किया है। आविष्कार कैसे आविष्कार किया? आज ये सोमवार है, प्रथम सोमवार है आज, प्रथम सोमवार है आज, गुजरात विक्रम संवत के अनुसार आज श्रावण महीने का प्रथम सोमवार है, तो इसके मैंने आज आविष्कार थोड़ा किया कि आज मैं धारण करता हूँ। थोड़ा ऊंचा बोलिए, ऑडियंस को सुनेगा भी नहीं, जैसे आप मन में बुर 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 कर रहे हो। एनर्जी नहीं रही ना, एनर्जी नहीं रही। देखो मैंने भी फास्टिंग रखा, पर मेरे में तो एनर्जी लेवल हमेशा से हाइपर रहता है, हाइपर नहीं कह सकते, क्या रहता है, ओवर एनर्जेटिक हूँ मैं, है? लेकिन चेतन तो अभी से सुस्त हो गए, बोलो अभी तो इतने से में सुस्त हो गए, अभी तो और चार उपवास रखने, चार फास्ट और रखने, तो अभी से खुश हो गए? नहीं, टाइम फीस नहीं, बोलने से एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। अभी देखो बैठे भी पूरे आराम से अवस्था में, आराम से नीज पे हाथ रख के देख लो, देख लो, ये देखो, ये देखो दोनों, ज्यादा बोलने से भी एनर्जी वेस्ट होती है। एनर्जी वेस्ट कौन करे, एनर्जी वेस्ट कौन करे, एनर्जी वेस्ट करने के लिए स्माइली है। ऊर्जा जो है बहुत कीमती होती है, मूल्यवान होती है। एनर्जी वेस्ट करने के लिए स्माइली सागर है, स्माइली सागर नॉट या, बट आज तक मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं
किसी को बताया मैंने वीडियो में मेरा रियल नेम क्या है? आप में से किसी को नहीं पता होगा शायद, और जो मेरे को जानते हैं उनको तो पता होगा, पर जिनको नहीं जानते उनको ये मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मेरा रियल नेम मतलब असली ऑफिशियल नेम है प्रकृति सागर। क्या है? प्रकृति सागर। मूल नाम कहते हैं। मूल नाम मेरा प्रकृति सागर है, और निक नेम जो मुझे प्यार से बुलाते हैं वो स्माइली सागर है। बोलो। तो आज हम लोग काफी टाइम के बाद, वैसे तो हम 2-3 दिन से एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन हम बहुत टाइम के बाद एक्सरसाइज करना स्टार्ट हुए हैं। और क्या था? हाँ, क्योंकि बीच में हमने बंद कर दी थी बिकॉज बारिश बहुत हो रही थी, और उसकी वजह से मैं अपनी ट्राईसाइकिल को बाहर नहीं निकाल रही थी कि ख़राब ना हो जाए। तो इसीलिए अब हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी होता है रात को। तो ये हैं चेतन। चेतन जय सागर, कुछ बोलना चाहेंगे? नमस्कार। अभी हम मैदान जंग में निकले हैं, तो थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। हवा बहुत जबरदस्त है, मज़ा आ रहा है। मास्क मैंने नहीं पहना हुआ क्योंकि मैंने भी नहीं पहना, हवा लेनी थी इसलिए, और भीड़ नहीं है इसकी वजह से। हाँ, रात को हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे सड़क है उस पर बिल्कुल ज़्यादा भीड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होता, बहुत कम होता है, तो चल जाता है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ हेतल का घर, और इस वक्त वो देख रही है रात को अनुपमा। हाँ, मेरी फ्रेंड हेतल का घर जो अंदर बैठ के देख रही होगी अनुपमा, और एक हमारा ये प्यारा सा दोस्त है टॉमी। ये हमारा प्यारा सा दोस्त है, ये हमारा बहुत प्यारा सा दोस्त है। चल वॉकिंग के लिए चले, चल। तो अभी हम वैसे हेतल के घर आ गए हैं, पर हेतल मैडम शर्मा रही है कि मेरे को वीडियो में नहीं आना है। अभी नहीं आना। क्यों नहीं आना? अच्छा, तो पीछे से हेलो आए तो कर दे लोगों को। वहाँ पे मुंह करके हाय हेलो कर दो। बस कर दिया। अच्छा, एक हाथ हाथ तो दे दे, हाथ ये देख, ये भाई हेतल ने हाथ दे दिया। हेतल कह रही है मैंने वीडियो में नहीं आना क्योंकि आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम वेयरिंग अ नाइट सूट। पर जैसे मैं तो बहुत रैंप वॉक के लिए निकली हूँ, नाइट सूट, टी शर्ट, पजामा। तो आज के एपिसोड में क्या आया था? थोड़ा अनुपमा के आज के एपिसोड में कुछ टिप्पणी दीजिए ना। कुछ टिप्पणी नहीं है, थोड़ा जोर की बोलिए, ऑडियंस के कान छोटे हैं। कोई टिप्पणी नहीं है। नहीं, कोई टिप्पणी नहीं है, वो बोल रही है कि कोई भी टिप्पणी नहीं। खाली अच्छा, आपको वो क्यों अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, माँ दीकरी का प्यार है। अच्छा अच्छा, उसको माँ दीकरी का प्यार यानी कि माँ बेटी का प्यार उस सीरियल में है, इसीलिए उसको अच्छा लगता है। मेरे यहाँ पे एरियल खड़े होने कब बंद होंगे लोग बताओ? मंगल ग्रह में कनेक्ट हो रहा है ना यार। अरे नहीं यार, और मेरे बाल ही ऐसे हैं, हम लोग क्या करें। अच्छा, चेतन इज सेइंग वी आर एलियन, दैट्स व्हाई हमारे एरियल खड़े हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू द एलियंस। मार्स में कनेक्ट हो रहा है ना? मार्स में और मून में भी। देखो, मैं आप लोगों को टॉमी दिखाती हूँ, टॉमी अपनी मस्ती में ही है। और टॉमी वैसे एक्चुअली ये स्ट्रीट डॉग है, पर हम जब भी घर में यहाँ पे वॉक करने आते हैं हमारे पास आ जाता है, मेरे और चेतन के पास। चेतन के पास तो ज्यादा नहीं जाता है, मेरे पास ही आता है, और आता है हेतल की बेटी के पास, खुशी के पास। अभी मैं हेतल की तरफ कैमरा करूंगी तो हेतल मेरे को जूते से पीटेगी। नहीं, अच्छा पैर दिखा रही हूँ बस, पैर भी नहीं दिखा, चरण स्पष्ट स्पष्ट नहीं स्पर्श। तो हम वॉकिंग करके आ गए हैं, हमने पहले वॉकिंग की, पहले अपने 2-3 जो भी राउंड्स हम मारते हैं वो मारे, उसके बाद हमने हेतल से बातें की, जैसे मैंने आपको हेतल को मिलाया, पर मिलाया नहीं मिलाया एक बराबर का, क्योंकि हेतल को कह रही थी मेरे को कैमरे के सामने नहीं आना। तो फिर उसे बातें बूते करके हम घर आए, और अभी आके घर में भी मुझे फिर से भूख लगी, तो अभी मैं कुछ खाने लगी हूँ। मुझे हेतल ने दी है, क्या है ये चेतन? मुठिया। ये है, है ये गुजराती मुठिया, उसने दिया है, उसने बनाया है ये, एंड हेतल बहुत अच्छा बनाती है मुठिया, तो मैं खाऊंगी थोड़ा सा मुठिया, और फिर साथ में पीऊंगी अपनी रिमझिम। रिमझिम इज कोक का प्रोडक्ट है, एंड वो है अपनी जीरा सोडा कह सकते हो उसको, एंड इट इज वेरी नाइस, डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं रेकमेंड करती हूँ, खाना खाने के बाद एक बार पी के देखना, आप लोगों को डिकार चुकार सब आ जाएंगे।
सो अभी खाना खाके तो मुठिया वगैरह खा के फिर थोड़ी देर में मैं और चेतन सो जाएंगे। तो बाय फॉर नाउ, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया वो हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो हमारे को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। है ना चेतन? बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड नाइट, शब्बा खैर।